फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। देखिए, उपमा देख के आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ और देखिए कितना यम्मी बना है। देखते खाने का मन करे, बनाने का मन करे, किचन में दौड़ने का मन करे। देखिए, इस तरीके की छोटी मोटी भूख में हम इस तरीके का उपमा बना सकते हैं। कैसे बनाया है ये जानने के लिए तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल बिखरा बिखरा उपमा बनके तैयार हुआ है। इस तरीके का उपमा बनाने के बाद आप बार बार इस उपमा की डिमांड करेंगे, यही कहेंगे ये कैसे बना है। फिर क्या, मैं बताती हूँ आपको। ये एक कटोरी मैंने रवा लिया, यानी कि सूजी ली है। सूजी चाहे बारीक वाली हो चाहे मोटी वाली हो, आपके पास जो हो आप उसको ले सकते हैं। इधर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है, इसमें एक चम्मच ऑयल लगा दिया है। थोड़ा सा हम सूजी को भून लेंगे। सूजी को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का हल्का भूनना है, जिससे सूजी में थोड़ा सा खुशबू आ जाए, यानी कि भूनने की, और थोड़ा सा उसका कच्चापन चला जाए और सूजी हमारी बहुत अच्छे से भून जाए। सूजी का बिल्कुल भी हमें कलर को चेंज नहीं करना है। स्लो गैस में हमें लमसम 5-6 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। इस तरीके से आप कंटिन्यू चलाते रहिए, सूजी चलेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगी। देखिए, सूजी हमारी भुन गई है, कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। देखिए, अब इसको मैंने एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम एक चम्मच ऑयल लगा देंगे और आधी कटोरी हम मूंगफली के दानों को रोस्ट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम मूंगफली के दानों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़े से हमारे मूंगफली के दाने अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। उलट पलट कर लीजिए, इसे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको भी हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें मैं आधी छोटी चम्मच चने की दाल डाल देंगे, राई डाल देंगे, सूखी मिर्च डाल देंगे 2-3, और 2 बड़ी हमने प्याज कट करके रखी हैं, छोटे साइज की, बिल्कुल बारीक कट करके रखी हैं 2 प्याज, इनको डाल देंगे। प्याज को भी हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही भूनना है। 2 टमाटर कट करके रखे थे हरी मिर्च, इनको भी डाल देंगे। करी पत्ता को भी डाल देंगे, इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हमने एक कटोरी सूजी ली है तो हम इसमें 2 कटोरी पानी लगा देंगे। जिस कटोरी से आप मेज़रमेंट करें उसी से आप पानी दीजिए। देखिए, इस तरीके से मैंने 2 कटोरी पानी लगा दिया। पानी में अच्छे से खौल आने देंगे और इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इस तरीके से सूजी का उपमा बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। देखिए, पानी में खौल आ गया है। अब जो हमने सूजी भून के रखी थी उस सूजी को डाल देंगे। देखिए, अब इसको अच्छे से चला लेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे हल्के हाथों से। देखिए, इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। इस तरीके से हमारा सूजी का उपमा बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल यम्मी सा उपमा बनके मेरा तैयार हो गया है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो तो इस तरीके का उपमा बना के आप खा सकते हैं। देखिए, अब इसमें हमने जो मूंगफली के दाने रोस्ट करे उन्हें डाल देंगे, आधा नींबू डाल देंगे। नींबू से बहुत अच्छा सा टेस्ट बढ़ जाता है। अब अच्छे से चला लेंगे। देखिए, बिल्कुल खुला खुला उपमा बन के तैयार हो गया है। ऊपर से हम मूंगफली के दाने डाल देंगे। अब हमारा उपमा बन के बिल्कुल सूजी का रेडी हो चुका है। अब इसकी लिड लगा देंगे 1 मिनट के लिए, ऐसे छोड़ देंगे, फिर इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए, मैंने प्लेटिंग कर ली है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल देखते ही ऐसा लग रहा है बिल्कुल खाने के लिए दौड़ जाओ। इस तरीके से अगर आपने किसी को भी बना के खिला दिया तो आप सभी कहेंगे कि जल्दी से आप इस तरीके का उपमा बनाइए और हमें खिलाइए। बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे, घर के सारे लोग कहेंगे कि इस तरीके का उपमा बहुत पसंद आता है। तो अगर आज आपको मेरा उपमा पसंद आया हो तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आपको मैं शायद ये वीडियो की पीछे की मेहनत नहीं दिखती हो, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।